हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज दोस्तों हम बनाएंगे चना सुंदेल। ये एक साउथ इंडियन स्नैक है और ये झटपट से बन जाता है। आप इसे चाय के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें, ये कैसे बनेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाएँ। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच सरसों के बीज और आधा चम्मच जीरा। अच्छे से सॉटे कर देंगे। अब डालेंगे एक चम्मच उड़द दाल और एक चम्मच चना दाल। इन दोनों का फ्लेवर इस स्नैक में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इसे दाल को ब्राउन होने तक भूनेंगे। दाल हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ते और दो सूखी मिर्चें। अच्छे से इसे सॉटे कर देंगे। कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये हैं एक कटोरी चने। मैंने एक कटोरी चने को रात भर भिगो के रखा और फिर मैंने इसे कुकर में डाल के आधा चम्मच नमक के साथ एक सीटी मैंने हाई पे दिलाई और फिर मैंने चार सीटी दिलाई लो फ्लेम पे। मैंने इसे ज़्यादा ही सॉफ्ट रखा है, आप चाहे तो इसे कम सॉफ्ट भी रख सकते हैं। दाल और सूखे मसाले पक चुके हैं, अब मैं इसमें ये चने को मिक्स कर दूंगी और अच्छे से सबको हम एक बार कड़ची से मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक याद रखें, आपने जब चनों को बॉईल किया था तब भी डाला था, तो आप स्वाद अनुसार ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी। अब मैं इसमें डाल दूँगी कसा हुआ नारियल। ये मैंने आधा कटोरी लिया है कसा हुआ नारियल। इससे फ्लेवर इस स्नैक का बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सारे फ्लेवर्स को मिक्स कर देंगे। याद रखें जो गैस है वो लो ही होनी चाहिए, मीडियम टू लो। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।